अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिहैबिलिटेशन मॉड्यूल के अनदर टॉपिक से रिलेटेड, दैट इज़ द रिहैबिलिटेशन ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस। सो सबसे पहले बात करते हैं कि बोन हेल्थ कंडीशन जो है वो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी पूरी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि बोन आपको मोबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, बोन आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है फ्रॉम मेनी इंजूरियस स्टिमुलस, और साथ ही साथ मिनरल की सोर्स भी है, और इसके अलावा इसमें बोन मैरो होता है तो आपके पास जो है इम्यूनिटी में भी रोल प्ले कर रहा होता है, आपके ब्लड सेल्स की भी सिंथेसिस कर रहा होता है। सो ओवरऑल आपके पास बोन जो है, या आपके पास नॉर्मल हेल्दी कंडीशन के लिए बोन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्टियोपोरोसिस को अगर डिफाइन किया जाए तो ये एक बोनी डिजीज़ है जिसमें आपके पास बोन मिनरल डेंसिटी लॉस हो रही हो, कि आपका जो बोन मास होता है वो डिक्रीज हो रहा होता है, और इसमें जो आपके पास स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है, स्ट्रेंथ है बोन की, वो लॉस हो रही होती है। So it is bone disease that develops when the bone mineral density and bone mass decreases and when structural and strength of the bone changes. So ये आपके पास एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जो बोन का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा होता है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही होती है, बोन मास कम हो रहा होता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये आपके पास एज अ बोन डिसऑर्डर मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है, बिकॉज इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि एजिंग से रिलेटेड होता है। लेकिन इसकी कॉजेज़ की बात की जाए तो नंबर वन वी हैव डिसयूजेस, कि आपने प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट पर है पेशेंट। देन वी हैव प्रोलॉन्ग कास्टिंग या पैरालिसिस, यानी प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट पर है, कास्टिंग हुई हुई है, पैरालाइज्ड है, तीनों ही चीज़ों में, तीनों ही कंडीशन में क्या हो रहा होगा कि आपकी लिम्स मूव नहीं कर रहे, और एज अ रिजल्ट क्या हो रहा होता है उसमें एट्रोफी हो रही होती है, जैसे मसल्स की एट्रोफी हो रही होती है वैसे आपके पास बोन मास कम हो रहा होता है, फिज़िकल एक्टिविटी कम है। डाइट की बात की जाए तो कैल्शियम और प्रोटीन डाइट कम है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, अल्कोहलिज्म है क्रॉनिक, एनोरेक्सिया नर्वोजा है। एनोरेक्सिया नर्वोजा में क्या होगा, उसकी डाइट अच्छी नहीं है तो ओवरऑल उसके पास सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी। ड्रग्स की बात की जाए तो हेपरिन, मेथोट्रेक्सेट, इथेनॉल एंड ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं ये भी आपके पास स्टेरॉइड को, ऑस्टियोपोरोसिस को कॉज कर सकते हैं। Now we have two types of osteoporosis, primary and secondary. Primary जो होता है इसकी भी further दो types होती है, एक होता है senile osteoporosis जो कि age related होता है, और दूसरा आपके पास post menopausal osteoporosis होता है जो कि ऐसी women's में common होता है जो कि menopausal stage में हो। सो इसलिए आफ्टर मैनिपोज हो रहा होता है तो इसलिए इसकी एज 55 to 70 है, कि यानी एज भी ज़्यादा और मैनिपोज भी हुआ हुआ। सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है इसमें आपके पास मल्टी सिस्टमिक डिजीज़ की वजह से हो सकता है, जैसे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, कोई मेडिकेशन ले रहे थे, जैसे ये मैंने हेपेरिन मेथोट्रेक्सेट, यानी कोई अदर कॉज है इसमें। समहाउ आप कह सकते हैं कि दिस कुड बी फिजियोलॉजिकल कॉज, कि एजिंग आप उसे नहीं, उस रिस्क फैक्टर को रूल आउट नहीं कर सकते या उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, नॉन मॉडिफाइबल है एजिंग। एज जैसी जैसी बढ़ती जाएगी आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे। पोस्ट मेनोपॉज़ल आफ्टर मेनोपॉज आपके पास ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से हो रहा होता है ये। देन सेकेंडरी जो होता है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, मेडिकेशन, इमोबिलिटी और इन्फ्लेमेशन, ये जो अदर कॉजेज मैंने आपको बताया वो सारे सेकेंडरी की तरफ लीड कर रहे होते हैं। होता क्या है कि आपके पास ऑस्टियोक्लास्टिक और ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी एक बैलेंस में चल रही होती है, लेकिन इन ऑस्टियोपोरोसिस आपके पास ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, बोन रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है, सारा जो आपके पास बोन का मास होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। देन एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम की बात की जाए तो ये है कि आपके पास जो बोन डेंसिटी है उसका इन्वर्स रिलेशन है विद द फ्रैक्चर रिस्क। जैसे जैसे बोन डेंसिटी कम होगी वैसे वैसे फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ता चला जाएगा। लॉस ऑफ बोन डेंसिटी जो होती है ये आपके पास इन्फ्लुएंस्ड हो रही होती है बाई एज। होता क्या है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपका बोन मास कम हो रहा होता है, और जैसे आपके पास बोन डेंसिटी कम होती है जो बोन का स्ट्रक्चर है वो आपके पास कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है, और रिजिडिटी और बोन की स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है। सो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इस पैरा को समराइज़ करूँ तो क्या है कि आपके पास एज बढ़ रही है उसकी वजह से बोन डेंसिटी कम हो रही है, बोन डेंसिटी के कम होने की वजह से फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ रहे हैं। कॉमन साइट्स रिस्ट होती है, स्पाइन जिसमें वर्टिब्रीज का फ्रैक्चर हो रहा होता है, हिप होता है। जो डिस्टल फोरआर्म में फ्रैक्चर हो रहा होता है वो कोलीज फ्रैक्चर होता है मोस्ट कॉमनली, जो कि आउटस्ट्रेच्ड हैंड पर हो रहा होता है, और ये वुमेन में होता है जो कि नियर अबाउट टू द मेनोपॉज़ल पीरियड होती हैं। देन वी हैव जो वर्टिब्रल फ्रैक्चर होता है, ये वेज शेप फ्रैक्चर हो रहा होता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है जो कि अचानक से स्पॉन्टेनियसली हो रहा होता है। जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो T8, T12 और L1 होती है।
हिप फ्रैक्चर जो है ये मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस है, जो कि आपके पास फॉल फ्रॉम ए स्टैंडिंग हाइट, यानी पेशेंट इतनी ज़्यादा ऊंचाई से नहीं भी गिरता लेकिन थोड़ी सी ऊंचाई से गिरता है, जिसे मोस्टली जो लोग कंप्लेन करते हैं वॉशरूम में स्लिप हो गए हैं या दो सीढ़ी से गिर गए हैं, तीन चार सीढ़ी से गिर गए हैं, तो वो उसकी वजह से आपके पास हिप फ्रैक्चर हो जाता है। यानी इतना सीरियस गिरना नहीं होता जितना सीरियस फ्रैक्चर हो जाता है। सिम्टम्स की बात की जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस की कोई सिम्टम नहीं होती, क्योंकि अगर बोन मास कम हो रहा है ना, बोन में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही, कोई पैथोलॉजी नहीं हो रही, कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा, तो पेन नहीं होता पेशेंट को, सिर्फ मास कम होता चला जाता है। और फिर क्या होता है कि आपके पास कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ कंप्लेन आती है कि फ्रैक्चर के साथ पेशेंट आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी भी पेन नहीं होता है। हो सकता है कि आपके पास जो है ना बोन जो है मास कम हो रहा है उसकी वजह से, जैसे वर्टिब्रीज में कम हो रहा है, कंप्रेशन सिम्टम्स आ सकते हैं, देयर कुड बी सिम्टम्स एज वेल, लेकिन मोस्टली जो होता है ये एक साइलेंट कंडीशन है, एज के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी और उसके बाद आपके पास फ्रैक्चर के साथ प्रेजेंट करती हैं। इसके अलावा आपके पास पोस्टरल चेंजेस भी मिल रही होती हैं, हाइट भी इसमें कम हो जाती है। इसकी डायग्नोसिस मोस्टली क्लिनिकली होती है, जिसमें सिग्निफिकेंट हाइट लॉस, काइफोसिस, हिस्ट्री ऑफ लोअर ट्रॉमा फ्रैक्चर, कि हल्का सा ट्रॉमा हुआ उसके बाद फ्रैक्चर हो गया था, और आपके पास जो मैंने रिस्क फैक्टर्स बताए उनका प्रेजेंस होना। देन उसके बाद लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में आप ESR करवा रहे होते हैं पेशेंट का, सीरम कैल्शियम लेवल्स और फॉस्फेट लेवल्स, अल्कलाइन फॉस्फेटिक्स लेवल्स करवाते हैं, रीनल फंक्शन करवाते हैं, प्लेन एक्सरेज करवा रहे होते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपने याद रखना है ना लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में, दैट इज़ द डेक्सा। डेक्सा स्टैंड्स फॉर डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री, जो कि आप हिप और स्पाइन रीजन की करवा रहे होते हैं, ये डायग्नोस्टिक होता है। अगर नॉर्मल की बात की जाए तो -1 से ज़्यादा होना इज़ नॉर्मल, -1 से लेके -2.5 तक होना ऑस्टियोपेनिया है कि सिर्फ मास कम हो रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि आपके पास लेस देन 2.5 होना या उसके इक्विवेलेंट होना, सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस में आपके पास लेस देन 2.5 के साथ साथ फ्रैक्चर्स आ रहे होते हैं। ट्रीटमेंट की बात की जाए सो विटामिंस एंड मिनरल सप्लीमेंट्स, मेडिकेशंस एंड फिजिकल थेरेपी, दीज थ्री आर द मेथड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस। सबसे पहले विटामिंस की बात की जाए तो विटामिन डी देना पेशेंट को, कैल्शियम सप्लीमेंट्स देना, कैल्शियम रिच फूड लेने के लिए उन्हें काउंसिल करना कि आप जो है मिल्क, चीज़, आलमंड, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर जैसे जो फूड्स हैं उनको अपनी डाइट में ऐड करें। इसके अलावा मेडिकेशन में आप पैराथायरॉयड हार्मोन दे सकते हैं, बिसफॉस्फोनेट्स दे सकते हैं, डेनोसुमैब दे सकते हैं, सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, ये वो मेडिकेशंस होती हैं जो कि या तो ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा रही होंगी ताकि बोन मास बढ़े, या फिर ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रही होती हैं ताकि बोन की रिजॉर्प्शन जो है ना वो ना हो कम से कम। फिजिकल थेरेपी आपने करवानी होती है पेशेंट की, जिसमें आपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवानी है ताकि पेशेंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, वेट लिफ्टिंग करवानी होगी ताकि वेट लिफ्टिंग से ना कोई पेन डेवलप ना हो, पेन के साथ साथ कोई फ्रैक्चर ना हो, वो सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए। देन बैलेंस एक्सरसाइजेस करवानी है, बैलेंस इसलिए ज़रूरी है, बैलेंस होगा तभी तो फॉल नहीं होगा, और फॉल नहीं होगा तो फ्रैक्चर नहीं होगा। पोस्टरल एक्सरसाइजेस करवानी है बिकॉज इसमें आपके पास पोस्टरल चेंजेस हो रही होती हैं। गोल ऑफ फिजिकल थेरेपी की बात की जाए तो उसमें आपने प्रॉपर पोस्चर को एजुकेट करना होता है, स्ट्रेंथ ऑफ द बोन इम्प्रूव करनी होती है, उसका जो है बैलेंस इम्प्रूव करना होता है, ओवरऑल मोबिलिटी इम्प्रूव करनी होती है, और पेशेंट को जो है इस जो ऑस्टियोपोरोसिस का ये जो बोन मास या बोन डेंसिटी का जो डिक्लाइन है ना उसकी मज़ीद डिक्लाइन से प्रिवेंट करना, बचाना। अब अगर आपके पास पेशेंट आया और उसको ऑलरेडी फ्रैक्चर हो चुका है तो आपने सबसे पहले तो पेन से रिलेटेड उसकी मैनेजमेंट करनी होती है, आइस के ज़रिए, हीट के ज़रिए, अल्ट्रासाउंड या इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए। मैं पिछली वीडियो में बार बार बता चुकी हूँ कि अल्ट्रासाउंड और इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए जो है आप ऐसी मेडिकेशंस यूज़ कर रहे होते हैं जो कि पेनिट्रेट कर सकें स्किन में वाया दीज अल्ट्रासाउंड और इलेक्ट्रिक करंट्स। एक्सरसाइजेस की बात की जाए तो एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है इन द ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट, क्योंकि अगर आप फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस करवाएंगे तो वैसे उनकी वर्टिब्री फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर आप एंटीरियर कंप्रेसिव फोर्सेस अप्लाई करेंगे टू द वर्टिब्री तो आपके पास कंप्रेशन फ्रैक्चर्स हो जाएंगे। सो एक्सटेंसर एक्सरसाइजेस में आपके पास अपर बैक और शोल्डर एक्सटेंसर एक्सरसाइज होते हैं जो कि स्पाइन पोजिशन में की जाती है। देन सिटिंग पोजीशन में जो है बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज होती है,
करेक्ट लिफ्टिंग पोस्चर होना चाहिए, करेक्ट स्लीपिंग पोस्चर होना चाहिए, थोरैसिक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं पेशेंट को, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, देन पेक्टोरल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाने का मकसद क्या होता है, ये आप करवा रहे होते हैं इन द स्टैंडिंग पोजिशन, और ये क्या करवाता है, काइफोटिक जो होता है, जो काइफोसिस हो रही होती है इन पेशेंट्स में, हाइट छोटी हो रही होती है, जो आपके पास स्पाइन होता है उसमें चेंजेस आ रही होती है, उसको प्रिवेंट करता है पेक्टोरल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। हिप एक्सटेंशन करवाते हैं, स्कैपुलर रिट्रैक्शन करवा रहे होते हैं, और चिन टक्स करवा रहे होते हैं, ऑल आर द एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस जो कि आपके पास ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स में अच्छा रिस्पॉन्स जनरेट कर रही होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट रिहैबिलिटेशन ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस। जज़ाकअल्लाह।